तो आपको स्टेटस एडिट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है। वहाँ पर इमेज, ब्लैक स्क्रीन और ऑडियो सब भी मेटल्स वहाँ पर मिलते हैं। वहाँ पर ज्वाइन होना है। यहाँ पर पहला प्लस करना है। यहाँ पर पेंसिल के आइकन पे आकर यहाँ पर 1080 2340 लिख लेना है। यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना है। तो पहला एक इमेज ऐड करना है। मैं म्यूजिक ऐड कर लिया हूँ। यहाँ पर इमेज ऐड करेंगे। इमेज ऐड करने के लिए यहाँ पर प्लस करना है। इमेज ऐड व्यू पे जाना है। व्यू ऑल पे जाना है। यहाँ पर प्लस करना है। थ्री डॉट पे जाकर प्ले स्क्रीन पे लेना है इमेज। इस इमेज को भी म्यूजिक के एंड तक ऐड कर लेना है और यहाँ पर प्लस करना है। डबल ए टेक्स्ट के इस पे जाना है। आदरी लिख लिया हूँ। इसका कलर जो है अवॉइड करेंगे। इसका फॉन्ट जो है लेमन मिल्क बोल्ड ऐड करेंगे। इसका साइज जो है 40 40 रखेंगे और यहाँ पर डैश मार्क पे टाइप करेंगे और इसे यहाँ पर रखेंगे। और इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के लिए टेक्स्ट पे टाइप करना है। यहाँ पर जाना है, डुप्लीकेट लेयर कर लेना है और इसे भी यहाँ तक ऐड कर लेंगे। जो है यहाँ पर टेक्स्ट भी जाकर आस्ताना का लिख लेता हूँ। जो इसका फॉन्ट है रेमा चीनी स्किप करके वो ऐड कर लेता हूँ। इसे नीचे की ओर ले करना है। इसे और इसका यहाँ पर कलर्स भी जाना है। यहाँ पर टाइप करना है और यहाँ पर आना है। ये कलर ऐड कर लेना है। इसे रखेंगे तो इसका साइज जो है ज़रा बढ़ा लेते हैं। 48 रखेंगे। यहाँ पर और एक टाइम डुप्लीकेट कर लेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट पे जाकर इमोज ऐड कर लेना है। मुझे ऐड होगा। तो इस इमोजी को यहाँ पर कलर समझाना है और यहाँ पर टाइप करना है। ये कलर्स को ऐसे नीचे कर लेना है और जो है इमोजी का फॉन्ट चेंज करना है। आईएसएस का जो फॉन्ट है आईफोन का वो ऐड कर लेंगे। ओके करेंगे। यहाँ पर इतना रखते हैं।
और इसको डुप्लीकेट कर लेना है। ऐसा लिख लेना है और एक स्पेस छोड़ना है। ऐसा इमोजी ऐड लेना है। रिमूव एंड ट्रांसफर पर जाकर इसे ऐसा रख लेते हैं, जरा छोटा कर लेते हैं। अब ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पर पंख लगाना है। पंख लगाने के लिए यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। इमेज एडिटर पे जाते हैं। यहाँ पर पंख ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर बेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाकर लाइटिंग में जाते हैं, स्क्रीन कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर इतना रखेंगे, इसे यहाँ तीनों नंबर पर जाकर इसे छोटा कर लेते हैं। और इसी को भी जहाँ तक यहाँ तक उतना ही रखेंगे, जितना टेक्स्ट है उतना यहाँ पर काट देंगे। और जो पंख को टाइप करना है, एफर्ट्स में जाना है, ऐड एफर्ट्स में जाना है, मल्टी मास की करके इस पे जाना है। यहाँ पर वाइप करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। स्टैंडर्ड सेटिंग ओपन करना है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में 48 रख लेना है। 48 50 रख लेना है। अब जो है इसका डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के लिए पंख को टाइप करना है, यहाँ पर जाना है, डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। डुप्लीकेट लेयर हो गया। अब जो ऊपर का पंख है उस पर टाइप करना है। यहाँ पर एफर्ट्स बनाना है, वाइप को डिलीट कर लेना है। तो वाइप डिलीट हो गया। अब जो है ये ऊपर के पंख पे टाइप करना है। ऐड एफर्ट्स बनाना है, यहाँ पर मल्टी मास्किंग में जाना है, वाइप ओपन करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग ऑन करना है। यहाँ पर एंगल में आना है, एंगल को 180 कर लेना है। 180 और इसको बढ़ा लेना है, 48 कर लेना है स्टार्टिंग को। अब जो ऊपर का जो पंख है उसको टाइप करना है। मोवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाना है। यहाँ पर इतना रखेंगे तो ये जो कंप्लीट हो गया। अब जो है इसको ग्रुप बना लेना है। ग्रुप बनाने के लिए इमेज और म्यूजिक को छोड़ के सारे यहाँ वो दोनों छोड़ के सारे में टाइप करना है या ऐसा पकड़ना है। ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे इमेज और म्यूजिक को उतना ही छोड़ के यहाँ पर फर्स्ट का जो ग्रुप है इस पर टाइप करेंगे तो ग्रुप हो गया। अब जो है ये ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, इसको अनस्क्रीन करने के लिए ग्रुप पे टाइप करना है।
एफर्ट्स में जाना है, ऐड एफर्ट्स में जाना है। यहाँ पर क्रोमा की करके है ऊपर में, इसको टाइप करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग ओपन करना है। यहाँ पर जो है ब्लैक स्क्रीन हटाने के लिए यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन हटा करना है, तो ब्लैक स्क्रीन हट गया। अब इसको इस तरह से छोटा कर लेंगे। अब यहाँ पर मूव एंड डांसर में जाना है, फर्स्ट की ऐड करना है यहाँ पर सेंटर में, और जो है यहाँ पर फर्स्ट में आना है, यहाँ पर भी एक की ऐड करना है, प्लस करना है, और इसे इधर इतना रखेंगे। तो ऐसा आया, और लास्ट में एक की ऐड करना है और इसे तो इसे इतना रखेंगे। अब जो है ऐसा जाएगा। यहाँ पर मूल ट्रांसफर पर जाकर यहाँ पर फर्स्ट के आइकन पर रख के यहाँ पर एक कर्व ऐड करना है, तो ऐसे कर्व यहाँ पर एक ऐड करेंगे, और यहाँ पर भी ऐसे कर्व ऐड कर लेना है। तो अब जो है इसमें रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए यहाँ पर मून ट्रांसफर पर जाना है, सेकंड नंबर पर जाना है, यहाँ पर फर्स्ट में प्लस करना है और इसको माइनस में 15 के लेना है, और यहाँ पर एक प्लस करना है, इसको 0 कर लेना है बीच में। और लास्ट में आना है, यहाँ पे प्लस करना है, इसको प्लस में 15 कर लेना है। तो ऐसा आएगा, ऐसा जाएगा। अब जो तो अगला लाइन लिखने के लिए ग्रुप पे टाइप करना है, यहाँ पर जाना है, कॉपी लेयर कर लेना है, लेयर कॉपी हो गया, और यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर जाकर पेस्ट लेयर करेंगे और स्क्रीन छोटा कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पर ग्रुप पे टाइप करना है, मोन ट्रांसफर पे जाकर ये लास्ट की थोड़ा इधर रखेंगे, और ये लास्ट की इधर रखेंगे इतना, और भी इसे इस तरह से छोटा कर लेते हैं, जहाँ तक लाइन है उतना तक। अब जो है ये की को, ये लास्ट की को इधर ले एंड में ले आएंगे, और ये की को इधर में ले आएंगे। अब जो है चेंज करने के लिए ग्रुप में टाइप करना है, यहाँ पर एडिट ग्रुप में जाना है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है लेकिन मोबाइल हैंग हो रहा है इसीलिए, यहाँ पर सलामत लिखना है। यहाँ पर ओके पे टाइप करेंगे, और यहाँ पर सलामत रहे कितना लिख लेते हैं। इमोजी चेंज करना है तो कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं।
तो ऐसा है। इसी तरह आप सारे में इसी तरह लेयर कॉपी करना है और पेस्ट करना है और चेंज कर लेना है। यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ पर जाना हो कॉपी लेयर कर लेना है, यहाँ पर पेस्ट लेयर कर लेना है और जो है इसमें इसी तरह चेंज कर लेना है। यहाँ पर मून ट्रांसफर पर जाना है, पहले इसे छोटा कर लेना है, ऊपर मून ट्रांसफर पर जाकर लास्ट की को यहाँ पर रखेंगे और इस लास्ट की को यहाँ पर रखेंगे और इसे यहाँ पर रख लेना है और इसे यहाँ पर रख लेना है। अभी नहीं, बाद में रखना है, पहले इधर रखता हूँ। इतना रखे के बाद इसे यहाँ तक आता लाइन यहाँ तक रख लेना है और जो है इसकी की तरह रखना है और ये बीच में की को सेंटर रखना है। तो और इसी तरह आप सारे में चेंज कर लेना है। तो उसके बाद में यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट पे टाइप कर लेना है।